दोस्तों महाभारत की कथा में द्रौपदी एक ऐसा पात्र है जिसके संबंध में जितनी चर्चाएं की जाए उतनी कम है। लेकिन आपको बता दें कि आप द्रौपदी को साधारण समझने की भूल ना करें। द्रौपदी साधारण नहीं अपितु अति असाधारण है। द्रौपदी जब धरती पर जन्म लेती है तब विनाश लीलाएं होती है। यह हमारा दावा है कि यदि आप थोड़ी भी समझ रखते हैं तो आज के वीडियो को देखने के बाद आप द्रौपदी को द्रौपदी नहीं अपितु माता द्रौपदी कहेंगे। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि आखिर कौन है द्रौपदी और क्या है उनकी वास्तविक पहचान। लेकिन शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। कायर कहीं के, अगर मुझे पता होता कि तू किसी स्त्री के प्रेम में इतना अंधा हो सकता है तो मैं पहले ही तेरा वध कर देता। धूर्त, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं होता तूने उस माता कुंती के आंचल से दूध पिया है। और इस प्रकार से दोस्तों भीम का क्रोध सातवें आसमान पर था। और हो भी क्यों ना, वो अर्जुन जिसको श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए न सिर्फ गुरु द्रोण ने अपितु अन्य भाइयों ने विशेषकर भीम ने आवश्यकता से अधिक संघर्ष किया था। उनकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा सभी आशाएं केवल उस धनुर्धर पर टिकी थी। लेकिन आज जो उसने किया वो वाकई में निंदनीय था। परंतु इससे पहले कि भीम अपनी गदा से उसकी भुजाओं को सदा सदा के लिए निष्क्रिय करता, इससे पहले कि वो अर्जुन के खून से अपनी गदा की प्यास बुझाता, धर्मराज बीच में आ गए। रुक जा भीम, यदि तूने मेरी बात का उल्लंघन किया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तू मेरा अनुज है। धर्मराज को क्रोधित देख भीम कुछ पल के लिए ठहर गया। क्या परेशानी है तुझे, क्यों तू ऐसे क्रोध में पागल हुए जा रहा है? भैया, ये कायर द्रौपदी के पैर दबा रहा था। तो भाई भीम, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, ये तो अपने अपने प्रेम की बात है। और इस प्रकार से दोस्तों धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम को जैसे तैसे शांत किया, किंतु फिर भी कहीं ना कहीं उसके मन में अर्जुन को लेकर क्रोध था। किंतु धर्मराज युधिष्ठिर की भी अपनी कुछ विडंबनाएं थी, वो उसे राज की इतनी बड़ी बात ऐसे ही नहीं बता सकते थे। अतः उन्होंने उसे आज रात को मरघट पर जाने के लिए कहा। फलस्वरूप भीम ने भी वैसा ही किया। रात के समय वो शमशान भूमि पर स्थित एक पेड़ पर जाकर चुपचाप बैठ गया कि तभी उसने देखा एक व्यक्ति ने आकर उस स्थान को साफ सुथरा किया। फिर थोड़ी ही देर में वहां पर दूसरा व्यक्ति आया, उसने वहां बैठने की व्यवस्था कर दी। ऐसा दृश्य देख भीम सोच में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, आधी रात को यहां क्या होने वाला है। कुछ ही देर में वहां पर समस्त देवतागण, इंद्र, ब्रह्मदेव, बड़े बड़े ऋषि मुनिजन इकट्ठा हुए। अब दोस्तों सबसे अधिक चकित करने वाला दृश्य सामने आया। भीम ने देखा साक्षात महाकाली सामने से चली आ रही है। उनके एक हाथ में खप्पर व दूसरे में शस्त्र है। नेत्र लाल और स्वरूप विकराल है। लेकिन ये क्या, ये महाकाली नहीं अपितु ये तो द्रौपदी है। द्रौपदी का ऐसा भयावह स्वरूप देख भीम दंग रह गया। उसे अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हुआ। द्रौपदी ने कृष्ण से कहा, केशव तुमने मुझसे वादा किया था तुम मेरी शुदा शांत करोगे। तुमने कहा था तुम रक्त से मेरा खप्पर भरोगे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, भीम के रक्त से मेरा आधा खप्पर भरना चाहिए और आधा अन्य के रक्त से। द्रौपदी के मुख से इसे वचन सुनकर भीम मारे भय के कंपित हो उठा। उसे अब सारा वृत्तांत समझ में आ गया। वो जान गया कि आखिर क्यों अर्जुन द्रौपदी के पैर दबा रहा था, आखिर क्यों भ्राता युधिष्ठिर भी अर्जुन का ही पक्ष ले रहे थे। वे बोले, तुम थोड़ा धैर्य धारण करो पांचाली, जल्द ही युद्ध होगा। युद्ध में नरसंहार भी होगा, उसमें मैं तुम्हारी ये इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण करूंगा। और दोस्तों थोड़ी ही देर में सुबह होने वाली थी, सभा समाप्त हुई, सब अपने अपने स्थान पर लौट गए। किंतु भीम अब भी वहां था। बहुत विचार करने के बाद अंततः उसने श्री कृष्ण के पास जाने का निश्चय किया। हे प्रभु, माधव आज रात्रि को जो मैंने देखा क्या वो सत्य है? क्या देखा तुमने भीम, तुम क्या बात कर रहे हो? भगवान आप मुझसे सत्य छुपाने का प्रयास ना करें, कृपा करके मुझे बताइए कि द्रौपदी कौन है और वो आपसे क्या कह रही थी। भीम, जो तुमने देखा और सुना वो सत्य है। द्रौपदी कोई और नहीं बल्कि साक्षात महाकाली का अवतार है। वो तुम पांचों पांडवों सहित संपूर्ण कुरु वंश और अन्य योद्धाओं के खून से अपना खप्पर भरना चाहती है, इसी के लिए उसका जन्म हुआ है। लेकिन भगवान वो तो आधा खप्पर मेरे खून से भरना चाहती है। हाँ भीम हाँ,
वो आधा खप्पर तुम्हारे ही खून से भरना चाहती है, और तो और वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी, वो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। माधव, तो क्या इससे बचने का कोई उपाय नहीं? एक उपाय है, ध्यान से सुनो, तुम सीधे घर जाओ, फिर वहाँ पहुँच कर। और इस प्रकार से दोस्तों उपाय बताकर केशव ने भीम को घर भेज दिया। उधर जब माता कुंती भीम को देखती है तो वे उसे भोजन के लिए मनाती है, लेकिन वो नहीं मानता है। फिर एक के बाद एक अन्य सभी पांडव उसे भोजन के लिए मनाते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता है। इस सब में द्रौपदी दूर से ये सब कुछ देखती रहती है। कहीं ना कहीं वो उन सभी पांडवों में भीम को सबसे अधिक चाहती थी। अंततः द्रौपदी उसे मनाने आती है, लेकिन वो उसे भी मना कर देता है, किंतु द्रौपदी भी हट पर अड़ जाती है। वो उसे भोजन कराने के लिए हर संभव प्रयास करती है। अंततः भीम भोजन के लिए राजी हो जाता है, किंतु एक शर्त पर। वो कहता है, पांचाली, मैं भोजन केवल तभी करूँगा जब आप मुझे वचन देंगी। भीम के मुख से ऐसा कथन सुनकर द्रौपदी सोचती है कि आखिर भोजन के अलावा इसे सूझता ही क्या है, और वैसे भी मेरे पास तो अक्षय पात्र है, अतः मैं इसे इसका स्वादिष्ट भोजन दे दूंगी, कम से कम इस बहाने ये भोजन तो कर लेगा। ऐसा सोचकर वो भीम को वचन दे देती है। तब भीम कहता है, देवी बकस कुंती के पांचों पंडा। और दोस्तों जैसे ही भीम ये कहता है कि तुरंत वहाँ कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। हे पांचाली, छद्म नारायण को भी छोड़ दीजिए। और इस प्रकार से दोस्तों ना चाहते हुए भी द्रौपदी को उन दोनों को तथास्तु कहना ही पड़ता है। और इसके बाद आगे जो हुआ वो हम सब ने देखा। महाभारत युद्ध में पांचों पांडव, कृष्ण और केवल वे ही योद्धा बचे थे जो या तो अमर थे या वे जिन्होंने युद्ध में भाग ही नहीं लिया था। यहाँ तक कि द्रौपदी के गर्भ से जन्म लेने वाले पांचों पांडवों का भी संहार हो गया था। वैसे दोस्तों हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों को इस कथा पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आपने जो महाभारत सुनी या पढ़ी है उसमें इस कथा का वर्णन बिल्कुल भी नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, दक्षिण भारत में ये कथा बहुत ही प्रचलित है। वैसे जानने वाले जानते हैं कि द्रौपदी ही महाकाली है और वे ही महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण थी। और न सिर्फ महाभारत, अपितु अब तक धरती पर जितने भी युद्ध हुए हैं या अब जो होने वाले हैं, उन सभी के सभी युद्धों में वे ही कारण होती हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है, या तो तुम शत्रुओं के रक्त से उनका खप्पर भरो या फिर अपने प्राणों की आहुति देकर उनकी इच्छा पूरी करो। इसी से महाकाली प्रसन्न होती है, इसी वजह से लोग इन्हें बलि चढ़ाते हैं। अब इस पर विश्वास करना ना करना आप पर निर्भर करता है। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।